बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, फ्रिट्स लंदन ने 1930 ये वीक फोर्सेस को इन्वेंट किया और ये दरअसल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है और नॉन पोलर में फोर्सेस होनी नहीं चाहिए, नॉन पोलर के अंदर फोर्सेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये वीक फोर्सेस डिवेलप हो जाती हैं जब मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं रहती। मतलब अगर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली रिवॉल्व करते रहे तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन उसमें कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, उसकी सिमेट्री खराब हो जाए, वो अनसिमेट्रिकल बन जाए, तो नतीजे के तौर पर उसमें वीक फोर्सेस डेवलप हो जाती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक डेवलप हो जाती है, जो कि एक मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियसली डेवलप होती है और अगला मॉलिक्यूल फिर जानबूझकर अपने असर की वजह से अगले मॉलिक्यूल को पोलर बना देता है, वो होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। हेंस इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उन्हें बोलते हो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ऑपरेट करती हैं और बड़ी वीक फोर्सेस होती हैं और वीक फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन, आज जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्स लंदन इन 1930 इन्वेंटेड दीज वीक फोर्सेस, मतलब वैन डर वाल फोर्सेस अमंगस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन गैस, मीथेन, बेंजीन एंड ऑल अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अंडर नॉर्मल कंडीशंस सच मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव डाइपोल्स, लेकिन जब इनको प्रेशराइज किया जाए, इनकी कंडीशंस बदल दी जाए, तब पोलैरिटी जनरेट होती है। तो एज हीलियम गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो गैस होती है लिक्विड में नहीं बदलेगी अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, बिकॉज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑपरेट्स अमंग द एटम्स ऑफ हीलियम व्हिच कन्वर्ट्स देम टू लिक्विड स्टेट। अप्रोप्रिएट कंडीशन अगर आ जाए, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए और कई चेंजेस लाए जाए, तो तब हीलियम का मॉलिक्यूल लिक्विफाई हो जाएगा। अदरवाइज हीलियम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और लॉजिकली इसको गैस होना चाहिए। लिक्विड में जाने का मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द मोमेंट्री लम्हा भर के लिए मुख्तसर जिंदगी वाली शॉर्ट लिव द मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इन अदर एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या इसे बोलोगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब ये क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, इसकी वजाहत कर रहा हूं मैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम गैस, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हीलियम इन्फ्लुएंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। मतलब एक जब हीलियम का एटम दूसरे एटम के करीब होता है तो हर वक्त मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जबकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक के ऊपर बाय चांस पोलैरिटी आ जाएगी, उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जबकि वो दूसरे को खुद से इंटरेक्ट करके डाइपोल बना देगा, उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। तो
इन्हें बोला इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। द इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर एंड टेंड टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, इतने दूर हो जाएंगे जितना के मुमकिन है। इन दिस वे अ टेंपरेरी डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड, इन दिस वे अ टेंपरेरी डाइपोल इज क्रिएटेड इन द एटम। द रिजल्ट इज दैट एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम इज नो मोर सिमेट्रिकल। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल मैनर के अंदर मूव करते हैं जो कि दिखते सर्कुलर है। तो सिमेट्री होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा तो न्यूक्लियस करीब आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, ये सिमेट्री बरकरार नहीं रहेगी, ये नॉन सिमेट्रिकल हो गए। और जब ये नॉन सिमेट्रिकल होते हैं ना तो एक ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो आप कह रहे हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द हीलियम बिकम्स अ डाइपोल, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इसमें साफ वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया इसने, जबकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस को रिपेल किया, तो इसको इसने डाइपोल बनाया। तो आपने इसे बोला है इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर नियर बाय, सो द डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द सेकंड एटम, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड राइट ऑप्शन। और गैसोलीन इज अनदर नेम
और उसमें फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन